वेलकम वेलकम नहीं करते हैं, वेलकम नहीं करते तो सीधा आपका स्वागत है हमारे सो स्वागतम सुस्वागतम आपका हमारी वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में स्वागत करते हैं। आज हम जा रहे हैं मजनू का टीला, वहाँ पे जाके दो मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है, कॉल अटेंड कर लेते फिर आपके पास आते हैं। तो यार आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं मजनू का टीला और हम लोग यही ट्राई कर रहे थे सुबह से कि इवनिंग के टाइम पे जाए ताकि जो वहाँ की लाइटिंग वगैरह है वो हम आप लोगों को दिखा पाए। पूरा हम मजनू का टीला तो एक्सप्लोर नहीं करने वाले क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस है मजनू का टीला में, आप लोगों को पता है वहाँ पे ड्यूस मिलता है ये वो है। तो आज ड्यूस मिलता है, कॉफी वगैरह मिलती है। तो आज हम लोग वहाँ पे जाके सिर्फ एक या दो रेस्टोरेंट्स या कैफेज वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, उनका फूड ट्राई करेंगे, फूड प्राइस क्वांटिटी क्वालिटी सब आपको वहाँ पे जाके बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं बाद में, बोलना है कुछ? राधे राधे। यार अभी इसके बाल तो बहुत ज्यादा छोटे हैं और मैंने बाल अपने छोटे करा लिए तो हम उसके साथ अब मैंने अपना नाई चेंज कर दिया गलती से, भगवान कसम मैंने कभी नाई चेंज नहीं किया अपना, पहली बार जिंदगी में नाई चेंज किया, उसने हालत खराब कर दी मेरे बालों की। वैसे गिने चुने बाल हैं, किलो थे अब आधा किलो रह गया है। तभी बोलते हैं नाई एक ही रखना चाहिए, जिंदगी में कुछ भी गलती करना नाई बदलने की गलती मत करना, नाई मत बदलना, कितना ही दूर शिफ्ट हो जाओ नाई मत बदलना भाई, चाहे तुम्हें महीना रुकना पड़ जाए महीना रुक जाओ बाल कटाने के लिए, नाई मत बदलना। यार अभी हम यहाँ पे एक चैलेंज कर रहे हैं, गाना चलेगा हनी सिंह का ठीक है, और उसमें हम में से कोई भी लिप सिंक नहीं करेगा और ना ही कोई मूवमेंट होगी, कोई भी मतलब ऐसा बीट पकड़नी नहीं है, जिसने पहले किया वो हार गया, प्राइज मनी फालतू का चैलेंज, कोई चैलेंज कोई मतलब ही नहीं है चैलेंज का। चल तो सही रेडी सर, मैं ना MMA करने आता हूँ ठीक है, उसकी क्लासेस लेता हूँ, तो ये बोलती थी कि ना तू इतना दूर तो जाता नहीं है, इतना टाइम क्यों लगता है तुझे, तो एक घंटा यहाँ पास से भी भेजो तो एक घंटा लग जाता है। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ कितना जाम लगता है भाई, जब मेरे को एक घंटा यहाँ से जाना पड़ता है, एक घंटा आना पड़ता है। हाँ इधर आता है, हाँ रोहिणी से पहले, रोहिणी से आगे तो पापा को पता है। हाँ अपने पास का रास्ता ही बताया मेरे को, नाले नाले के रास्ते से जाइए हो चाचा मेरा कहना। हाँ भाई तो हम लोग निकले तो दिल्ली से मजनू का टीला जाने के लिए थे, पर हम लोग थोड़ा सा पहाड़ी इलाके में आ गए और हम आपको अभी पहाड़ दिखा रहे हैं। तो गाइस ये दिल्ली के पहाड़ आ चुके हैं, अभी पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, हम लोग पहले अकेले जाने वाले थे लेकिन अब हम हमारी मासी उधर ही आसपास रहती है तो हमने अपने भाई बहनों को भी वहाँ से उठाने का फैसला किया, उठाने किडनैप करने जा रहे हैं, फिर होती मांगेंगे मासी से, मासी अपनी जमीन मेरे नाम करो, तो बस अब हम उन दोनों को साथ में लेकर वो जमीन उन्हीं के बच्चों पे लगा देंगे, उनमें से एक आधा IPS बनवा देंगे एक आधा पायलट बनवा देंगे। नो किडिंग मेरी मासी के पास बहुत जमीन है नजर लग जाएगी। चलो तो उनको उठाते हैं फिर फिरोती तो बाद में देख लेंगे। तो गाइस हमारा सिग्नेचर ब्रिज आ गया है, आप देख सकते हो इसकी लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे नहीं है, दुबई आई हुई है, हमारा सिग्नेचर ब्रिज आ गया है, हम इसको खरीद लेंगे अगले साल तक, इस पे रेंट लगाना शुरू करेंगे, जिसको यहाँ से निकलना है ₹500 की फीस दे निकले। गाइस अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो इसको खरीद भी लेंगे और यहाँ पे पार्टी भी करेंगे आप सबके साथ ठीक है। इधर होटल बनने वाला था मैंने सुना था, आज तक तो बन नहीं पाया है, कब बनेगा ये तो नहीं पता, और मैंने सुना था ये जो जा रही है ना ये लिफ्ट जा रही है ऊपर, किधर होटल बनेगा, इधर हमारा ना एक ऑफिस था लिफ्ट? ये इधर ये जो रूम है स्टेयर्स बनी होगी कुछ बना होगा, तो गाइस यहाँ कहीं पे लिफ्ट होनी थी पर पता नहीं कहाँ है, बस यही आप इधर होटल हमारा दिया गाइस, हमें धोखा दिया गया है, हमारा यहाँ पे पहले ऑफिस था एक तो हमने वो बंद कर दिया था किसी वजह से, लॉकडाउन से पहले मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो यहाँ ऑफिस बंद करवा दिया था क्योंकि काफी दूर पड़ता था, तो हमारे को जब यहाँ पे थे ना तो यहाँ पे यही रोज रोज आता था यहाँ होटल बनेगा ऊपर व्यू देंगे काफी महंगी टिकट लगाएंगे लिफ्ट की स्टार्टिंग हो गई है सब कुछ हो गया है, बहन चमक गया मैं तो गोरा हो गया भाई लोग मैं गोरा हो गया गाइस, इतनी देर से दिमाग नहीं चला ना कि हम लाइटिंग थोड़ी सी कर सकते हैं, बट ठीक है मेरा चलो भाई, सेंटर में भी लाइटिंग है गाइस, क्रेटा को भूल जाओ गाइस,
हमारी सेंटर चमका देती है, गोरा बना देती है, लिपस्टिक विपस्टिक नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं सारे ही सारी पापा वाला कौन सा है, मम्मी वाला रेडमी का है भाई तुम्हारा, तुम मस्त एकदम ही शी कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, वो तुम्हारे लिपस्टिक लगा देगा, जेंडर न्यूट्रल है, तुम्हारी वो आंखें लंबी कर देगा, तुम जो नहीं सोच सकते वो कर देगा, भूल जाओ ठीक है, कितना बोल बाय गाइस बाय, हम जा रहे हैं अपने भाई बहन को लेने गाइस, अब हम अपने भाई बहन को लेने के लिए जा रहे हैं, मेरी मम्मी ने नील लगा के तुम्हें मम्मी का व्हाइट पेन दिख रहा है गाइस, निर्मा गाइस आला 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 सॉरी नो निर्मा नो वॉशिंग पाउडर आला गाइस आला देसी जुगाड़ आला स्टॉक्स ऊपर तो गाइस मैं जिंदगी में इतना अमीर बनना है गाइस, जिस ब्रांड का नाम लो उसके स्टॉक्स ऊपर चले जाए गाइस, अब मैं बोलूं यस गाइस बाय गाइस लव यू गाइस, अभी तक जो भी इसने बोला अगर आप लोगों ने वो ध्यान से सुना है, और अगर आप चाहते हो कि सिग्नेचर ब्रिज पे होटल बन जाए तो आप ऐसी सपोर्ट करो और वो होटल हम ही बनाएंगे, और जितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया उनको फ्री स्टे देंगे, हाँ तक घर में एक ईंट तो लगाई नहीं हमने अभी तक सपोर्ट नहीं, मैंने लगाई मेरे पुराने वाला घर में लगाई थी पापा और मैंने ईंटें लगवाई थी वहाँ की, तो मैंने नए वाले घर में बहुत हेल्प की गाइस, कुछ छोड़ो खैर बाद में बात करेंगे आपसे, ये तो गाइस हमारे भाई बहन आ रहे हैं गाइस, गाइस हमारे भाई बहन आ रहे हैं गाइस, गाइस हमारे भाई बहन आ गए गाइस, तो ना रहे थे हम तो बेशरम, हम तो ना रहे थे इन लोगों तो बोल ही देते ना, तो इन दोनों के लिए सरप्राइज ही था क्योंकि इन दोनों को पता नहीं था हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और ये और पता भी था कि पता था नहीं पता था ना नहीं पता था, तो हमने इन लोगों को कॉल किया कि रेडी हो जाए, बस अभी हम जा रहे हैं, ये मेरा भाई थोड़ा शर्मीला है वो कैमरा में आता नहीं है, आधे घंटे बाद बोलेगा, आधे घंटे बाद बात करना शुरू करेगा, इसको थोड़ा सदमा रहता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है मुँह से कुछ बोलने में, चलिए तो चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं, लाइट फीकी पड़ गई है गाइस, फिर से आ गए सिग्नेचर ब्रिज और इसकी लाइट अभी तक, अभी हमारे पापा का फोन आया था कि इसकी वीडियो जरूर ले लेना, 7:45 के बाद लेना शायद 7:45 के बाद, और अभी 8:03 हो रहे हैं, अभी तक इसकी लाइट जल नहीं पाई है, गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ गया है, तो अभी इसकी बिजली का खर्चा, मोदी सर यूएस चले गए हैं, केजरीवाल है नहीं है, मोदी सर लंदन ब्रिज पे गए हैं, सिग्नेचर ब्रिज की नहीं सोच रहे गाइस, हमें मजनू का टीला आने का सबसे पहला लेसन मिल चुका है कि गाड़ी में मत आना क्योंकि यहाँ पे पार्किंग तो है ही नहीं, जगह बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी का रश होना है सैटरडे को आए हैं, और हम आए भी सैटरडे को है तो बहुत ज्यादा रश होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कृपया के स्प्रिंग रोल ही खाने पड़ेंगे पार्किंग तो मिलने वाली है, मंजूरी ऐड ऑन कर लेंगे मिल जाएगी, तो गाइस जाम ही जाम एकदम बढ़िया मस्त, हम लोग दोबारा घूम के आए हैं क्योंकि हमें गाड़ी लगाने के लिए कहीं पे जगह नहीं मिली है, देख लो रिक्शे वाले भैया हैंडसम है ना, तो यार इतना ट्रैफिक है, हम लोग मजनू का टीला के आसपास ही घूम रहे हैं, हमें पोस्टर पोस्टर लग गया भूख, तो हमने पापड़ वाले समोसे की भूख थी, पापड़ ले लिया, पापड़ लूट लिए गाइस, पापड़ ले लिया, और इसने पापड़ वाले को लूट लिया, वो 50 के 3 दे रहा था उसने 20 रुपए के 3 ले लिया, और लेने के बाद रियलाइज हुआ मैं बहुत सारे पापड़ है ना, चलो बाय गाइस, बोलेंगे ये मजाक आपने हमारे साथ करा है या अपने साथ, ये हमारे साथ हो गया ये इनके साथ करा, तो गाइस बड़े ही खेत के साथ कहना पड़ रहा है, अभी तक हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी और अब हमें यूटर्न भी नहीं मिल रहा, और जबकि हम यूटर्न लेकर ही आए हैं, और अब पता नहीं क्या, तो अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाके अपनी मासी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, मासी को बोल दो तो वही घर आ रहे हैं, सो जाएंगे मासी को तो बोल दो, और ये वीडियो हम नेक्स्ट टाइम पूरा करेंगे, आशा के लिए खेद है, फिर आधे घंटे के लिए रुकूंगा फिर बन जाऊंगा, सबके मुंह बने हुए ये बोल रहे हैं कि इससे मैंने 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, अपने घर जाते हैं लड़ रहे, 10 बजे तक आराम से घर पहुंच जाऊंगा, तो फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, ना हमने मासी के घर पे खाना खाया ना बाहर कुछ खाया, बाहर जो खाना था वो मिला ही नहीं क्योंकि हम लोगों को आते आते काफ़ी लेट भी हो गया था, तो हम लोगों ने बस अब घर पे आके मैगी बनाएंगे वो खाएंगे और बस सो जाएंगे, तो यार वीडियो बनाने का पर्पस तो कुछ और ही था, दिखाना कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया, बस हाँ इससे ये हमने सीख लिया है कि अब ऐसी भी कोई जगह जो बहुत ज़्यादा फेमस है उधर सैटरडे संडे वीकेंड पे तो जाना ही नहीं है, वीकडेज पे आप कभी भी चले जाओ, और मोस्टली रात को जाना अवॉइड ही करो क्योंकि लोग काम वाम से निकलते हैं तो पूरा एकदम ट्रैफिक हो जाता है, तो उसको अवॉइड करना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पक्का जाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को, ज़्यादा वेट तो नहीं कराएंगे, अभी बस मंडे ट्यूसडे को हम लोग जाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग एक्चुअल में वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनने वाली थी,
एंड अभी तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो गिव अ थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।